Hello, this is Dr. Krishan. I am ENT surgeon based in Delhi and I am also co-convener in Indian Medical Association. आज हम बात करेंगे being in government hospital, काफी patients हमारे पास आते हैं जो history देते हैं कि उन्होंने किसी सड़क के किनारे, bus stand, railway station के किनारे कान साफ करने वाले से कान साफ कराया, उसके बाद उनको काफी infection हो गया, दिक्कत बढ़ गई, तो वो हमारे पास hospital में आते हैं. तो मैं उन patient के लिए, और वो फिर बाद में वो बोलते हैं क्या उससे नुकसान होता है या इससे क्या, तो मैं एक उन पेशेंट्स के लिए एक अवेयरनेस वीडियो बना रहा हूँ कि सड़क, बस स्टैंड और इसके किनारे जो एक क्वैक होते हैं जो ऐसे कान साफ कराने के लिए घूमते रहते हैं, वो कितना नुकसान आपको पहुंचा सकते हैं, आपके कान को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है. तो मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो वो कोई लाइट सोर्स नहीं यूज करते, ना तो वो ट्रेंड होते हैं, ना तो वो स्पेशलाइज होते हैं, ना तो उनको हमारे कान के अंदर की संरचना के बारे में कुछ पता होता है. तो वो जो उनकी स्टिक जैसी चीज यूज करते हैं उससे कान के अंदर जो हमारा ईयर कैनाल होता है, एक्सटर्नल ईयर का पार्ट होता है, ईयर कैनाल, उसमें इंजरी कर सकते हैं, उससे इन्फेक्शन हो सकता है, प्लस फंगल इन्फेक्शन तो कर ही सकते हैं, बाकी इन्फेक्शन वगैरह से कान बहना शुरू हो सकता है और वो पर्दे में भी चोट लग सकता है. पर्दे में चोट लगने की वजह से बीच वाले कान, मिडिल ईयर में भी इन्फेक्शन पहुंच सकता है एक्सटर्नल ईयर से. साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि जो चार्जेस वो लेते हैं आपसे अलग अलग सर्विसेज के, अलग अलग चीजों के, क्योंकि उसमें कान केवल साफ नहीं करने का, वो और भी ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे. पहली बात तो वो ऐसी चीजें आपको बताएंगे, आपको मतलब ये महसूस कराएंगे कि कान साफ करना बहुत जरूरी है, आपके कान में मैल नहीं होना चाहिए. तो मैं बताऊंगा ईयरवैक्स जो है वो काफी प्रोटेक्टिव चीज है, वो आपको बीमारियों से बचा के रखती है. हाँ, बहुत ज्यादा हो जाता है तो कान दर्द होने लगता है या खुजली होने लगता है, तब आप प्रोफेशनल हेल्प लेके एक हॉस्पिटल विजिट करके आप कान साफ कराएं, वो भी डॉक्टर से कराए. और पहली बात तो मैं ये भी बताना, एक और बात ये इस पे स्ट्रेस देना चाहूंगा कि जो वो रुई यूज करते हैं, कॉटन यूज करते हैं, वो कॉटन काफी अनस्टराइल होता है. एक बार मैं ऋषिकेश अभी एक महीने पहले गया था, वहां में एक विजिटिंग टूरिस्ट प्लेस है लक्ष्मण झूला, वहां पे एक कान साफ करने वाला, मैं अपने कुछ फ्रेंड के साथ था, उनके पास आके बोलता है कि आपको कान साफ कराना है क्या, मेरी ध्यान पड़ी वो रुई कहाँ रखा था, वो पिन्ना के ऊपर फंसाया था. सो इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि ऐसे रोड साइड जो वेंडर्स होते हैं जो कान साफ करने का दावा करते हैं, वो किस लेवल की स्टेरिलिटी मेंटेन करते हैं, और उसकी तुलना में जो किसी भी हॉस्पिटल में गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कितने लेवल ऑफ स्टेरिलिटी केयर होता है, कितने लेवल ऑफ स्टेरिलिटी मेंटेन की जाती है एक नॉर्मल सी कान साफ करने के प्रोसीजर को, जिसको कि सिरिंजिंग बोलते हैं. सो मैं आपको इस बात पे कभी भूल के भी कभी उनसे कान साफ ना कराएं ऐसे रोड साइड वेंडर से. प्लस आपको इस बात पे भी ध्यान देना होगा कि अगर कान के पर्दे में उन्होंने छेद कर दिया तो फिर उसके लिए कान का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, प्लस उससे मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होगा, उससे सुनना भी, बहरापन भी हो सकता है, और विभिन्न दिक्कतें हो सकती हैं जैसे कान में घंटी बजना, चक्कर आना, ये भी वो कर सकते हैं. प्लस वो ऐसे दावा करते हैं कि आपके कान में जो मैल है वो साबुन से बनता है वगैरह, पता नहीं वो कहां से ये चीज, किस किताब में उनके ये लिखा था, और ये कहां से ये आपको मिसगाइड करते हैं, जनरल पब्लिक को मिसगाइड करते हैं. मैं इस बात पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, इनके मिसगाइड होने की वजह से हमारे जो ईएनटी सर्जन है उनका वर्कलोड कितना बढ़ जाता है, और हॉस्पिटल्स में कितने नए केसेस डेली बेसिस पे आते हैं. हमारे एक ओपीडी में, अगर हम एक ओपीडी में 50 पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक ओपीडी में 3 से 4 घंटे पे देखते हैं, उसमें से 10 से 15 पेशेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना और ऑटोमाइकोसिस, फंगल इन्फेक्शन के बारे में, फंगल इन्फेक्शन का मैंने अलग वीडियो बनाया जो कि आप देख सकते हो मेरे चैनल पे. तो ये सब जो इन्फेक्शन है ये इन्हीं रोड साइड वेंडर्स की देन होती है. पेशेंट अगर डायबिटिक होता है उनमें ऐसे ये इन्फेक्टेड चीजें डालेंगे तो वो और फंगल इन्फेक्शन ऑटोमाइकोसिस हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज वाले पेशेंट की बीमारी से लड़ने की क्षमता नॉर्मल से कम होती है. प्लस मैं ये बताना चाहूंगा, वो ऐसा दावा करते हैं कि आपके कान को मैं सिप्लॉक्स दवाई से सही कर दूंगा, और उनका मैंने एक बार देखा, एक हिमाचल में एक वेंडर को देखा जो ऐसे कान साफ करने का दावा करता था, वो सिप्लॉक्स कैसे लिया था, एक गंदा सा बॉटल था उसमें कोई लेबल नहीं, कोई डोज नहीं, और उसमें वो ये दावा कर रहा था उसने सिप्लॉक्स ड्रॉप डाला है, और वो उसके पेश किसी नॉर्मल जनता से 300 रुपए चार्ज कर रहा था. आपको मैं कई छोटे शहरों में, मिडिल शहरों में, टीयर 3 टीयर 4 सिटीज में, इवन टीयर 2 में कई ईएनटी सर्जन्स की कंसल्टेंसी फी 300-400 रुपीज होती है, और कई की डिस्काउंटेड फी 300 रुपीज होती है. सो मैं आपसे यही बोलूंगा कि कभी भी भूल के भी ऐसे क्वैक लोगों से ना साफ कराएं कान, क्योंकि कान एक काफी नाजुक ऑर्गन है, और एक बार आपका बहरापन आ गया तो फिर आपकी पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो जाती है. तो मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आप मेरे से कंसल्टेंसी बुक करना चाहते हैं तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके मेरी कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं, कान नाक गले से संबंधित कोई भी समस्या को समाधान के लिए.